एग्जाम्स हो गए खत्म। दोस्तों एनीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग हैज गॉन रॉन्ग इन दिस रेसिपी शूट। ஒரு நிமிஷம் சத்தம் போடாதீங்க. Hi guys, this is Pooja. Welcome back to my channel and welcome to a new vlog. जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है, आपको पता है कि इस व्लॉग की रेसिपी क्या होने वाली है। और आज मैं शूट कर रही हूँ स्पिनच पास्ता एंड आज है फ्राइडे, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं अपना शूट। धीर भी बस आने ही वाला होगा स्कूल से। हाय दी, सो आ गया है धीरू एंड ही इज सुपर फ्री एंड हैप्पी टुडे क्योंकि एग्जाम्स हो गए खत्म। एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। हाँ, कैसा गया आज का? रियली वो तो बेटा मार्क्स बताएंगे हाउ नाइस इट वॉज, है ना? कब मिल रहे हैं? फ्रॉम व्हेन आर दे स्टार्टिंग एरर करेक्शन? Do you have school? Oh, tomorrow is Saturday anyways. So 13th is the last working day. बस उसके बाद guys धीर की 2 महीने की छुट्टी, 13th April से लेके 13th June तक छुट्टी, 14th June को खुलेंगे school and he is going to have a lovely time. And he will be in grade 7 if you pass in all those subjects. I will. चलो, आई एम शूटिंग अ रेसिपी, फटाफट आ जाओ मम्मा की हेल्प करने, क्लीन योर मैसी रूम। ये देखो कितना मैसी कमरा, गो क्लीन योर रूम। आप देख सकते हैं कितना कबाड़ा मच रखा है बिकॉज अभी सब्जी आई थी, डंजो करवाई थी और कॉर्न मैंने यहाँ छील लिए हैं बिकॉज कॉर्न और पास्ता दोनों मैं साथ में बॉईल करने वाली हूँ। और पानी मैंने यहाँ बॉईल होने रख दिया है और इंडक्शन पे रख के शूट ले लूँगी, क्लिप शूट कर लूँगी बिकॉज इंडक्शन पे टाइम लगता है गर्म होने में और गैस पे फटाफट हो जाता है। अब मैंने हाउस हेल्प को बोला ये थोड़ा साफ कर दें यहाँ पर ताकि मैं अपना सेटअप कर सकूँ। इधर अंदर कवर लिए पोटेडूंगा इला। सो ये स्पिनच भी मैंने वॉश करके इस छलनी में रख लिया है और नीचे ये वॉश कर लिए हैं, दैट इज स्वीट कॉर्न। और बस अब मैं सेटअप यहाँ लगा देती हूँ अपना। सो यहाँ पे सेटअप कर लिया है, अब बोल यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगी और अपनी शूट स्टार्ट करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम ब्लांच करेंगे अपना स्पिनच और स्पिनच को बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं रखना है, हल्का सा ब्लांच करना है, दैट्स इट। और ब्लांच होते ही हम इसको डालेंगे ठंडे पानी में। और निमिष सब तो पड़ा देंगे। तो जैसा कि आपने देखा इसमें मैंने स्पिनच को ब्लांच करने के लिए रख दिया है। हम बहुत थोड़ी देर के लिए इसको गर्म पानी में रखेंगे, सिर्फ हमें ब्लांच करना है, इसको कम्प्लीटली बॉयल नहीं करना है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है आइस चिल्ड वाटर ताकि स्पिनच ब्लांच करते ही हम ठंडे पानी में डाल देंगे टू मेंटेन इट्स कलर एंड टू स्टॉप द कुकिंग प्रोसेस। पानी को वेस्ट ना करते हुए इसी में हम बॉईल करेंगे पास्ता। नमक डाला है और बहुत लोग ये गलती करते हैं कि तेल डाल देते हैं पास्ता बॉईल करते समय, जो कि एक बहुत रॉन्ग यू नो स्टेप है वाइल बॉइलिंग योर पास्ता। बिल्कुल भी तेल नहीं डालना चाहिए बिकॉज देन अदरवाइज आपकी जो सॉस है, जो भी सॉस आप बना रहे हैं, वो आपके पास्ता पे चिपकेगी ही नहीं बिकॉज वो जो तेल है वो एक ग्लेस छोड़ देगा आपके पास्ता पे। सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग स्टेप गाइज, प्लीज़ डोंट डू दिस। अब इसी पानी में हम बॉईल कर रहे हैं पास्ता और मैं कॉर्न हमेशा साथ में ही बॉईल करती हूँ, बस थोड़ी देर बाद कॉर्न डालती हूँ एंड देन उसको रिमूव कर लेंगे, एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे बॉईल होने के बाद। स्पिनच हमारा ठंडा हो गया है तो इसकी भी एक प्यूरी बना लेंगे मिक्सर में डाल के। दोस्तों एनी थिंग दैट कुड गो रॉन्ग हैज गॉन रॉन्ग इन दिस रेसिपी शूट। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से एक स्पार्क हुआ और पता नहीं क्यों स्पार्क होने के बावजूद इंडक्शन वर्क कर रहा था, फिर मैंने बंद कर दिया डर के मारे बिकॉज मैं और धीर बहुत डर गए और स्मेल भी आने लग गई थी। तो इंडक्शन अभी एक डमी पीस की तरह यूज़ कर रहे हैं, सारी कुकिंग गैस पे हो रही है और शिफ्टिंग कर रहे हैं। और बिलीव नहीं करोगे, जब गैस पे शिफ्ट किया तो सिलेंडर ख़त्म हो गया और मेरी है सिवियर बैक पेन। तो मैंने फिर विपुल को नीचे से बुलाया, विपुल अभी आके सिलेंडर चेंज करके गए हैं और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बाकी के काम।
दैट इज़ गार्लिक चॉप कर रही हूँ, और इंडक्शन तो एज डमी पीस यूज़ करने वाले हैं हम। सो फटाफट मैं करती हूँ काम, 12 बज गए हैं और 12:20 तक आकृति का टिफ़िन घर से भेजना है, 12:30 उसका लंच ब्रेक होता है। सो मैं फटाफट निपटाती हूँ काम अपने। तो यहाँ मैं ले रही हूँ ऑलिव ऑयल, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी गार्लिक और उसको सॉटे करेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर उसमें डालेंगे अपनी स्पिनच की प्यूरी और थोड़ी देर पकाएंगे, मे बी जस्ट अ मिनट और अ टू, एंड उसके बाद उसमें डालेंगे मिल्क। ये है मिल्क और ये ग्रेवी को थोड़ा क्रीमी टेक्सचर देगा बिकॉज हम इसमें बटर और ये नहीं डाल रहे हैं। ये गया हर्ब्स, मिक्स्ड हर्ब्स, इटालियन सीजनिंग, सॉल्ट, और इसको फिर थोड़ी देर पकाएंगे। और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ चीज़ स्लाइस, और चीज़ स्लाइस इसलिए क्योंकि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है कंपेयर टू दी अदर चीज़, और जो कि आपको पता है मुझे जल्दबाजी है, टिफ़िन भेजना है, मैंने चीज़ स्लाइस का इस्तेमाल किया, फटाफट रेडी हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ अपने चॉइस की यूज़ कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि यही करें। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑलिव्स, आप अपने पसंद की कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हैं। देन आई एम एडिंग द बॉइल्ड कॉर्न एंड पास्ता। वेजीज़ ऐड करनी हो तो पहले आप गार्लिक के साथ वेजीज़ को सॉटे कर लें और उसके बाद पास्ता और ये ग्रेवी, स्पिनच की प्यूरी वगैरह डालें। अब फाइनली आई एम लेयरिंग इट अप विद अ स्लाइस ऑफ चीज़, सिर्फ बच्चों को वो चीज़ी लुक देने के लिए एंड ऑफ कोर्स फॉर माय वीडियो एज वेल। सो ये हमारा पास्ता रेडी हो चुका है, स्पिनच पास्ता। आप अपने वेरिएशंस दे सकते हैं इसमें, नॉट एन इशू एट ऑल। आप बटर और मैदा या आटे को सॉटे करके जैसे वाइट ग्रेवी बनाते हैं, वाइट सॉस बनाते हैं, उसके बाद भी प्यूरी डाल सकते हैं, दैट टेस्ट इवन डिलीशियस, बट मुझे वो अवॉइड करना था। सो या दिस इज़ इट, आई होप यू लाइक्ड वॉचिंग इट फ्रेंड्स, इफ़ सो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। सो सी यू अगेन ऑन अ न्यू डे विद अ न्यू व्लॉग, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।